लक्ष्मी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहा है, वर्तमान में एमएलसी है और उस जिस तरीके से उसने बीस भ्रमण किया है उसके खिलाफ आज कानपुर के घंटाघर चौराहे में सैकड़ों लोगों के द्वारा पूज्य संतों महंतों के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा आज उसका पुतला दहन किया गया है और उसके खिलाफ हम लोग शासन में अपील करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को भी आग्रह करते हैं कि ऐसे धूर्त और गद्दार नेता को पार्टी से बाहर कर दो। राजद के जो मुखिया हैं लालू प्रसाद जी, उनको भी आग्रह करते हैं कि चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री बिहार का है, उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर दीजिए। ये नेता न बहन जी का हुआ, न भाई जी का होगा, न भतीजे का होगा, न भाजपा का रहा, न आपका, न हमारा। ये गद्दार नेता है और किसी भी पार्टी संगठन ट्रस्ट व्यक्ति का नहीं है, ये किसी का व्यक्ति नहीं, इसको सब लोग निकाल के बाहर करो। जय श्री राम। ये जो कार्रवाई हो रही है आजकल विपक्षियों के द्वारा, हमारे गैर धर्म के लोगों के द्वारा, ये देखा गया शुरू से हमको हिंदुओं को बांटा गया, जगह जगह तोड़ा गया, जात के रूप में बांटा गया। आज बहुत दिनों के बाद हिंदू एकता की मिसाल के रूप में आज जात का नहीं, आज हिंदुत्व की लड़ाई पर लड़ रहे हैं, उसको खंडित करने के लिए। ये जो है विदेशी ताकतों के पैसे इशारे पर, पैसों के बल पर, ये रामायण के प्रति और अन्य ग्रंथों के प्रति हमारों को अपमानित करके हमको जाति के रूप में लड़ाने की कोशिश है। परंतु अब हिंदू पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, अब जो है किसी के बहकावे में नहीं आएगा। ये लोग कितना भी बात कर ले, कितना भी बवाल कर ले, परंतु हिंदू जात में नहीं बटेगा, अब हिंदू हिंदू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।